फ्रंट भी चेंज करने हैं, दोनों कमज़ोर हैं। तो अभी इनको हमने दिखाई हैं जी, जेन्युइन भी बता दिए हैं होंडा के ओरिजिनल, और साथ हिटाची कंपनी भी बता दिए हैं। तो अब देखते हैं इनका क्या माइंड बनता है, कौन से डालते हैं। स्टॉक में भी ये भी आ चुकी है, इसके अलावा कुछ होंडा के एयर फिल्टर जेन्युइन आए हैं अभी, ये लोगों ने भी खाने में अपडेट कर दिए हैं ये सारे जेन्युइन एयर फिल्टर होंडा सिविक के लिए। इसके अलावा हमारे पास होंडा का 1030 ऑयल थोड़ा शॉर्ट था, वो भी आ गया है होंडा का 530, तो मैंने मजीद स्टॉक में पूरा किया है। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौधरी ऑटो ट्रेडर एंड वेलकम विद अनदर ब्लॉग। एक नए तरीके का आगाज़ करते हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत फरमाए और अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़क अता फरमाए और आराम से हमें अल्लाह बचाए। तो आज एक नए दिन का आगाज़ लेते हैं, और हफ्ते का दिन है और इंतहाई शदीद गर्मी है। गर्मी का ये आलम है कि इस वक्त पंखे के नीचे और कूलर के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन पसीने जो हैं वो जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह एक होंडा सिटी 2015 मॉडल के लिए क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इंजन ऑयल और साथ उसके सी वी ज्वाइंट, गाड़ी कटिंग में आवाज़ कर रही थी तो सी वी ज्वाइंट और इस तरह डिफरेंट और क्लच बैरिंग, ये चीज़ें अभी हमने डिलीवर कर दी हैं एक कस्टमर को, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं उनको। और इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑयल अभी हमने दिया है रिवो गाड़ी के लिए WS, ये स्क्रीन में आपके सामने अभी आ भी जाएगा WS ऑयल, ये अभी हमने रिवो गाड़ी के लिए दिया है 6 लीटर, अभी यहाँ पर चेंज करके गए हैं। इसके अलावा इंजन ऑयल एक दो गाड़ियों के लिए गया है, ज़िक का ऑयल गया है और साथ में फ़िल्टर है करोला के लिए। तो ये डिफरेंट आइटम जो है वो सुबह से जा चुके हैं, और गर्मी यह है कि शदीद ज़्यादा है। इसके अलावा ऑर्डर बना रहा हूँ, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपके साथ बात की थी, ऑर्डर बना रहा हूँ। सुबह हमारा इंजन ऑयल भी आया है होंडा कंपनी से, और होंडा के एयर फिल्टर आए हैं। इसके अलावा होंडा का ट्रांसमिशन फ्यूल फिल्टर असम्बली होंडा वेजल के लिए, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं होंडा वेजल के लिए है फ्यूल फिल्टर असम्बली, जेन्युइन फ्यूल फिल्टर असम्बली है, ओरिजिनल आप चेक कर सकते हैं इसको, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी की जेन्युइन चीज़ है। स्टॉक में भी ये भी आ चुकी है, इसके अलावा कुछ होंडा के एयर फिल्टर जेन्युइन आए हैं अभी, ये लोगों ने भी खाने में अपडेट कर दिए हैं ये सारे जेन्युइन एयर फिल्टर होंडा सिविक के लिए। इसके अलावा हमारे पास होंडा का 1030 ऑयल थोड़ा शॉर्ट था, वो भी आ गया है होंडा का 530, तो मैंने मजीद स्टॉक में पूरा किया है। और बड़ी बात यह है कि होंडा की ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, तकरीबन 500 रुपये गैलन जो है वो 400 रुपये गैलन तकरीबन महंगा हुआ है, 400 और 500 रुपये के लगभग से मुख्तलिफ फार्मूला के हिसाब से, तो होंडा के ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। ये आप इस बात को जो है वो नोटिस में ले लें, होंडा प्राइस इंक्रीज़। इसके अलावा डिफरेंट और ऑयल भी हैं, वो भी प्राइस बढ़ा रहे हैं जी। नुमान माशाल्लाह जी देखें काम पे लगे हुए हैं, खानों को सेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात होती है किसी भी ऑटो पार्ट्स के लिए और किसी भी स्टोर जो है होते हैं, जो रिटेलर होते हैं या होल सेलर, तो उनके लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो उनके खाने होते हैं, जो ड्रॉज होते हैं, वो मेंटेन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, ताकि सामान जो है वो क्लियर डिस्प्ले में नज़र आए और बेचने के लिए भी और आसानी हो और कस्टमर के लिए भी देखने में और परचेजिंग करने में आसानी हो। तो ये नुमान माशाल्लाह देखें गर्मी की हालत में किस तरीके से काम कर रहे हैं, सब खाने मेंटेन कर रहे हैं। नुमान से हालात दे, गर्मी से है ना, हाँ गर्मी डे रहा था, दा शरबत जोड़ू खा, देख चुका ना मजेदार शरबत भी जोड़ू। अच्छा जी, इसको मैंने पश्चिम में ये बात की है कि शरबत बनाते हैं ठंडा सा, गर्मी ज़्यादा है तो इसके बाद तैयारी करते हैं शरबत की। गर्मी में मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि डेली आप एकदम रौबदा ठंडा डेली बनाऊँ। अच्छा जी, हमारे फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर आ गए हैं जापान टोटाची के, फ्यूल सिस्टम और फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, इंजेक्टर क्लीनर और फ्यूल सिस्टम, ये तीनों स्टॉक में इस्तेमाल आ चुके हैं। इसके अलावा हमारा इंजन ऑयल टोयोटा का भी आ गया है, ये देखें जी माशाल्लाह टोयोटा का इंजन ऑयल, मुनीर खान जो है वो माशाल्लाह जी स्टॉक लेके आ गए हैं टोयोटा इंजन ऑयल। रेट जो है सब ऑयल के जो है बढ़ चुके हैं इस टाइम पे,
तमाम इंजन ऑयल के रेट इंक्रीज़ हो चुके हैं, स्टॉक माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में आ गई है। अच्छा जी, अभी हमें एक ऑर्डर आया जी 2018 सिविक के लिए, 2018 सिविक के लिए फ्रंट ब्रेक पैड है, जेड लिंक है, चमटे की दो बुश हैं और फाउंडेशन है। ये 18 सिविक का सामान है, ये सामान है सारा, तो ये सामान अभी डिलीवर करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टोयोटा का इंजन ऑयल वगैरह सारा आ गया स्टॉक, टोयोटा गाड़ी का इंजन ऑयल। प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है जी, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ये कुछ फ़िल्टर भी आ गए स्टॉक में, कूलेंट हैं, होंडा का ऑयल वगैरह तो सुबह ही आ गया था। अच्छा, ये स्टॉक अभी भिजवा रहे हैं डिलीवरी के लिए, जो हमारे मैकेनिक की तरफ से हमें एक ऑर्डर आया जी। और गर्मी आज का ये आलम है जी, पानी की मशीन भी ख़राब हो गई थी, अभी पानी की मशीन ठीक कराई है यहाँ से, और बहुत शदीद किस्म गर्मी है। खाने का टाइम है, लंच की ब्रेक करते हैं, इसके बाद फिर मज़ीद अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। और ये हमारा जी फ्यूल पंप सिस्टम इंजेक्टर क्लीनर स्टॉक में तमाम आ चुके हैं जी, जापान के ये टोटाची के फ्यूल सिस्टम और कंप्लीट सिस्टम फ्यूल, बड़ी बेहतरीन चीज़ है जी ये। ये हमारे पास जी अभी सिविक आई है 2020 मॉडल, इसके जी रेयर ब्रेक पैड अभी चेंज कर रहे हैं और फ्रंट भी चेंज कर रहे हैं, दोनों कमज़ोर हैं, तो अभी इनको हमने दिखाई है जी, जेन्युइन भी बता दिए हैं होंडा के ओरिजिनल, और साथ हिटाची कंपनी भी बता दिए हैं, तो अब देखते हैं इनका क्या माइंड बनता है, कौन से डालते हैं। उन्हें अपनी जेब को भी देखना है कि उनको कौन सी जो है रिजनेबल लगते हैं, तो ये देखना अभी एक डालेंगे। और ये फ़िल्टर वगैरह हमारे कुछ स्टॉक तो आए हैं जी, लड़के अपडेट कर रहे हैं सामान को, सारा चेक कर रहे हैं, तमाम फ़िल्टर लगा चुके हैं अभी। और ये होंडा के अभी ब्रेक पैड जो है वो चेंज हो रहे हैं, बैठे हुए जी इसके मालिक जी। जी रिवो वीगो के लिए डीजल फिल्टर है जेन्युइन वीगो के लिए, 2015 मॉडल है, 13-14 उसके लिए डीजल फिल्टर जेन्युइन ये डिलीवर कर रहे हैं जी, अभी डिमांड आई है तो निशान खान हम जाएंगे और ये डिलीवर करके आते हैं। और इस होंडा में अभी चेंज हो रहे हैं जी फ्रंट और रेयर ब्रेक पैड, जापान के हिटाची किस्म हम डालेंगे। और ये ऑयल टोयोटा का लग चुका है, तमाम जो आए थे कूलेंट आए थे स्टॉक में वो भी लग रहे हैं जी, एसी फिल्टर एयर फिल्टर, आज काफ़ी सारा स्टॉक जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है, डिमांड सारी, तो सब चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह अपडेट होके अपने अपने एरिया में लग रही हैं। तो दिन भर की मसरूफियात के साथ और बहुत ही इंतहाई हेक्टिक किस्म की आज की मसरूफियात रही हैं, जिसमें ज़्यादातर सामान डिलीवरी का था, तो डिलीवरी के सामान में फ़ोन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एक से ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर पूरा किया, फिर दूसरी कॉल, फिर दुकान पे कस्टमर डायरेक्ट आ रहे हैं वो अलग हैं, फिर कॉल, फिर सामान में फ़र्क है, फिर सामान दोबारा चेंज करना, और इस किस्म की कुछ मसरूफियात रही हैं जिसकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मेरे सर में दर्द भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात रही हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, और अल्लाह से लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेक और साफ़ सुथरा अल्लाह ताला ने हमें रिस्क अता फरमाया और हर काम खैर खैरियत से हुआ। आज बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट है, तो मैं अभी बस ब्रेक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और शॉप जो है वो फ़िलहाल तो खुली हुई है, लेकिन साथ साथ अभी ये बस आधे घंटे में बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी तबीयत क्योंकि ज़रा सेट नहीं है तो मैं आज ज़रा जल्दी छुट्टी लूँगा और चलता हूँ घर की तरफ। तो तब तक हमें इजाज़त दें, हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।